भदोही में बुधवार को एक प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। सिर फिरे प्रेमी ने फोन करके प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन के साथ वहां पहुंची। वहां उसने प्रेमिका से बार बार मोबाइल बिजी रहने का कारण पूछा। प्रेमिका इस सवाल पर नाराज हुई तो वो उखड़ गया और मारपीट करने लगा, फिर तमंचा सटाकर उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी। इससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया, जिसके बाद मृतका की बहन भागती हुई घर आई और घर वालों को पूरी घटना के बारे में बताया। सभी लोग भागते हुए खेत पहुंचे और फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई और जांच शुरू की। गुरुवार सुबह 6 बजे बीरमपुर तिराहे के पास आरोपियों की लोकेशन मिली। लोकेशन मिलते ही पुलिस की टीम ने वहां घेराबंदी की। थोड़ी देर बाद आरोपी वहां से गुजरने लगे तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर में हत्यारोपी अरविंद विश्वकर्मा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। कि एक बच्ची को गोली मार दी गई है, तुरंत पुलिस की टीमें और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मेरे द्वारा और DIG मिर्जापुर रेंज महोदय द्वारा घटनास्थल और चीज़ों की छानबीन के लिए मौके का भ्रमण किया गया। इसमें परिजनों ने 2 युवकों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी, जो पास के ही रहने वाले थे। शीघ्र ही टीमें गठित करके 12 घंटे के भीतर इन दोनों युवकों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी युवक है, उन्होंने पूछताछ में बताया है कि प्रेम प्रसंग की वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ, जानकारी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। SP डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक आरोपी अरविंद ने कहा कि प्रेमिका मोबाइल पर किसी से बात करती थी। जब भी वो फोन लगाता उसका फोन बिजी आता था। वो स्कूल जाती थी तो भी फोन नहीं उठाती थी। अगर कभी फोन उठ भी जाता था तो काम बताकर काट देती थी। मैसेज करता था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती थी, जिससे वो तंग आ गया था। लंबे समय से वो बच्ची के संपर्क में था और उसने फोन करके उसको वहाँ पे बुलाया था, और साथ में बच्ची के परिजन 1-2 थे, वो भी घटनास्थल पर उस समय मौजूद थे। तो बाकी जो इस संबंध में घटना के जो कारण हैं और अन्य जो परिस्थितियां हैं, उनके बारे में गहन छानबीन की जा रही है। सर, वहाँ पर सर क्या बात हुई जिसकी वजह से इसको गोली मारनी पड़ी? इस संबंध में अभी छानबीन की जा रही है परिजनों से, और जो आरोपी हैं उनसे गहन पूछताछ की जा रही है, और इसके साथ साथ जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उनको भी जुटाया जा रहा है। बता दें कि आरोपी अरविंद विश्वकर्मा ऊंच थाना क्षेत्र के मीनापुर गाँव का रहने वाला है। अरविंद हाई स्कूल तक पढ़ा है और अभी वो ट्रैक्टर चलाता है। उसका 1.5 साल से गांव के एक लड़की से अफेयर चल रहा था। वो क्लास 11th में पढ़ती थी। बता दें कि हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने 20 दिन पहले मिर्जापुर में तमंचा खरीदा था। वहीं मृतका के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।